गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामेश्वरम के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस कोरोना काल में घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लें। एजी केमिस्ट्री की बात करेंगे। एजी केमिस्ट्री में चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10वां, जैव रसायन बायो केमिस्ट्री, जो कितने अंक का होगा? 8 अंक का। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि चैप्टर कितने अंक का है? 8 अंक का है। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 जैव रसायन बायो केमिस्ट्री। ठीक है, जैव रसायन की बात करें तो जैव रसायन कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। ठीक है, जैव रसायन कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। कौन कौन से? एक तो जैव और एक रसायन। जैव यानी बायो, रसायन यानी केमिस्ट्री। सजीवों के शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन करने का ध्यान किया जाएगा। पहले लेकिन सबका जैव रसायन। फिर बात करेंगे मुख्य रूप से इसमें कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाए? सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? जैव रसायन। फिर बात करें विज्ञान की शाखा का नाम किसने दिया है? तो विज्ञान की शाखा का नाम जैव रसायन है, कार्ल न्यूबर्ग। कार्ल न्यूबर्ग ने, ठीक है, किसने दिया? कार्ल न्यूबर्ग ने। कौन सा सन में दिया? 1903 में। ठीक है, इस विज्ञान की शाखा का नाम जैव रसायन किसने दिया? कार्ल न्यूबर्ग ने। कब दिया? 1903 में दिया। फिर बात करेंगे मेन टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। इसकी बात करेंगे मेन टॉपिक फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नाम से पता चलता है कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्ब प्लस हाइड्रेट। कार्ब प्लस हाइड्रेट यानी दो शब्दों से मिलकर बना है कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से? कार्ब प्लस हाइड्रेट। ठीक है, तो ये एक लैटिन शब्द है जो कार्ब या कार्बो, कार्ब या कार्बो अर्थात कार्बन, और हाइड्रेट यानी जल। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एक लैटिन शब्द है जो कार्बो, ठीक है, अर्थात कार्बन, और हाइड्रेट अर्थात जल या पानी के संयोग से बनाए यौगिक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन प्लस जल, यानी कार्बन और जल के संयोग से जो यौगिक बनेगा वो क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अधिकतर कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र की बात करें तो अधिकतर कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र क्या होगा? CH2O2। सभी कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं की, क्या कहा? अधिकतर कार्बोहाइड्रेट के सूत्र की बात करें तो क्या होगा? CH2O का होल बन। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी कार्बोहाइड्रेट सूत्र का पालन करें, कुछ कार्बोहाइड्रेट सूत्र का पालन नहीं करते और कुछ यौगिक कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हुए भी इस सूत्र का क्या करते हैं? पालन करते हैं। ठीक है, तो ये कहा है सभी कार्बोहाइड्रेट की नहीं कहा, जब इसने कहा अधिकतर कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या हुआ? CH2O का होल बन। फिर बात करें परिभाषा की, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या होगी? ये तो सिंपल बात है कि कार्बन और हाइड्रोजन जल से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। फिर बात करेंगे मुख्य रूप से परिभाषा की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या होगी? पॉलीहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रेट यानी जिनमें OH समूह की संख्या क्या हो? 3 या 3 से अधिक हो, पॉलीहाइड्रेट। तो पॉलीहाइड्रेट एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड का ग्रुप कौन सा होगा? CHO। कीटोन का कौन सा होगा? CO।
तो पॉलीहाइड्रेट एल्डिहाइड या कीटोन अथवा वह पदार्थ जो जल अपघटित होने पर इन यौगिकों को उत्पन्न करते हैं, या तो पॉलीहाइड्रेट एल्डिहाइड या कीटोन है, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, देखेंगे जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह, या क्या कह सकते हैं वह पदार्थ ठीक है जो जल अपघटित होने पर ठीक है इन यौगिकों को उत्पन्न करते हैं, यानी पॉलीहाइड्रेट एल्डिहाइड और कीटोन को उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तीन भागों में कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? तीन पार्ट में। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और और फिर बात करें अपचय गुण के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, अपचय शर्करा और अनपचय शर्करा। ये तीन वर्गीकरण साइंस में है, तो साइंस केमिस्ट्री में एजी की बात करें तो एक ही वर्गीकरण है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? तीन भागों में बांट दिया, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तीनों की परिभाषा की बात करें उदाहरण ठीक है, कितने भागों में डिवाइड कर दिया? तीन में, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पहले बात करें मोनोसैकेराइड। मोनो यानी सिंगल, यानी मोनोसैकेराइड वे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है ठीक है, जिनको बोर जल अपघटित करके छोटे रूप में या सरल रूप में अपघटित नहीं किया जा सकता। मोनोसैकेराइड वे सरलतम शर्कराएं हैं जिन्हें जल अपघटन द्वारा और सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सरल से सरलतम शर्कराएं हैं। सामान्य सूत्र क्या हो रहा है? CN H2O का हॉल है। ठीक है, तो सबसे सरलतम शर्करा है मोनोसैकेराइड है, सरलतम शर्करा यानी इनको और छोटे रूप में जल अपघटित नहीं किया जा सकता। सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n या वैसे CH2O का होल है। एन क्या है यहाँ? कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन। फिर बात करें इनके नाम की, तो इनके नाम के अंत में ठीक है, इनके नाम के अंत में अनुलग्न क्या रहेंगे? ओस। इनके नाम के अंत में अनुलग्न क्या रहेगा? ओस रहेगा, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, उदाहरण देखें ग्लूकोज फ्रक्टोज। अब कहीं कहीं बैठा मेरा जैसे ग्लूकोज गलत, क्या नाम चाहिए? सर ओस। कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में क्या लगा रहे हैं? अनुलग्न ओस। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज ठीक है,
दोनों फॉर्म से ग्रहण है, सुक्रोज उसमें आ जाएगा, ऑलिगो से ग्रहण है, लेकिन वो भी क्या एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट ही है। तो कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में हम लोग क्या लगाएंगे, ओस, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माइटोज, ठीक है, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो मोनोसेक्राइड क्या है, सर्वसंग्रह है, जिनका संबंध इस क्या होगा, सी एन एच टू एन ओ एन या सी एच टू ओ का मोल है। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या है, अनुलग्न क्या लगाएंगे, ओस, ठीक है। तो कार्बन परमाणु, बाकी अगर बात करें मोनोसेक्राइड को और किसमें विभाजित कर सकते हो वर्ग में, तो कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसेक्राइड को भी क्या कर सकते हैं, आगे विभाजित कर सकते हैं। मान लीजिए मोनोसेक्राइड में कार्बन की संख्या तीन है, तो ट्रायोस, ट्राई प्लस ओस, तीन कार्बन है, एन बराबर कितना है, एक तो ट्राई, हम लोग क्या करेंगे, ओस, तो क्या हो जाएगा, ट्रायोस। चार कार्बन है, अनुलग्न ओस लगाएंगे, तो टेट्रा प्लस ओस, टेट्रोस। पांच कार्बन है, अनुलग्न ओस लगाएंगे, तो पेंट प्लस ओस, पेंटोस, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड को भी कार्बन की संख्या के अनुसार ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, ठीक है, एन बराबर तीन है, चार है, पांच है, छह है, ठीक है। और ट्रायोस चार कार्बन है, तो टेट्रोस पांच कार्बन है, तो पेंटोस छह कार्बन है, तो हेक्सोस। तो मोनोसेक्राइड को भी नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या के अनुसार क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं अलग अलग वर्गों में, ठीक है। तीन है, चार है, तीन है तो ट्रायोस, चार है तो टेट्रोस, पांच है तो पेंटोस और छह है तो हेक्सोस। फिर बात करें सबसे सरलतम मोनोसेक्राइड की, कितने कार्बन पर तीन कार्बन ट्रायोस, तो सबसे सरलतम मोनोसेक्राइड का उदाहरण क्या होगा, ग्लिसरेडियल, ठीक है। सबसे सरलतम मोनोसेक्राइड कौन सा होगा, ग्लिसरेडियल और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन अणु, जिसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं, केवल तीन कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे, ठीक है, देखेंगे आगे किससे। फिर बात करें इरिथ्रोस में चार कार्बन परमाणु होते हैं, राइबोस, ठीक है, अलग अलग शर्कराएं, ट्राइबोस में कौन सी होगी, ग्लिसरेडियल, एन बराबर कितना तीन, एन बराबर चार की बात करें टेट्रोस की, तो इरिथ्रोस है, ठीक है। चार कार्बन राइबोस की बात करें, कितने कार्बन उपस्थित होंगे, पांच, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, आरएनए में तो कौन सी शर्करा होगी, राइबोस शर्करा, और डीएनए में कौन सी शर्करा कार्बोहाइड्रेट होगी, डीऑक्सी राइबोस। तो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में कितने कार्बन, पांच कार्बन परमाणु, ठीक है। और सर्वाधिक इम्पोर्टेंट जो मेन इम्पोर्टेंट शर्कराएं हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो शर्कराएं हैं, वो कितने कार्बन परमाणु की होती है, छह कार्बन परमाणु, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। और इनका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, छह कार्बन परमाणु वाली का फॉर्मूला है CnH2n। क्या है नंबर ऑफ कार्बन, कितने हैं बराबर, छह, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, सी सिक्स एच ट्वेल्व और सिक्स। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सरलतम मोनोसेक्राइड कितने कौन से होंगे, छह कार्बन वाले, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि। अब ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो या गैलेक्टोज हो, तीनों मोनोसेक्राइड है, तीनों में कितने कार्बन है, छह कार्बन, तो तीनों का सामान्य सूत्र कैसा होगा, समान होगा, क्या रहेगा, सिक्स एच ट्वेल्व और सिक्स, ठीक है। फिर आगे बात करें ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में तो कौन सा समूह उपस्थित होता है, एल्डिहाइड समूह, ग्लूकोज, ठीक है, और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन सा समूह उपस्थित होगा, सी एच ओ समूह, एल्डिहाइड समूह उपस्थित होगा। जबकि फ्रक्टोज की बात करेंगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह, सी एच ओ, ठीक है। जबकि फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होगा, कीटोनिक समूह, सीओ समूह, ठीक है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, जबकि फ्रक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा, कीटोनिक समूह, सीओ उपस्थित होता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट बात करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे मोनोसेकेराइड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद करेंगे ओलिगोसेकेराइड, नेक्स्ट बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड की, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड की बात करें तो ओलिगोसेकेराइड में 2 से लेकर 10, कहाँ से लेकर 2 से 10 मोनोसेकेराइड, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड की बात करते हैं तो ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड के अणु उपस्थित होते हैं। या परिभाषा की बात करें तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 इकाइयां किसकी देते हैं, मोनोसेकेराइड की। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 इकाइयां मोनोसेकेराइड की देते हैं, क्या कहलाते हैं, ओलिगोसेकेराइड। क्या कहलाएंगे, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। देखो इसकी बात की परिभाषा की, यानी ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 इकाइयां किसकी है, मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर मान लीजिए ओलिगोसेकेराइड है, ठीक है, कितने मोनोसेकेराइड दे रहा है, 2 मोनोसेकेराइड दे रहा है, ठीक है। तो इसको क्या नाम देंगे, डाइसेकेराइड। क्या नाम देंगे, डाइसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड कितनी मोनोसेकेराइड इकाइयां दे रहा है, 3, तो क्या कह देंगे, ट्राइसेकेराइड। 4 मोनोसेकेराइड इकाइयां दे रहा है, आगे तक वर्गीकरण चलेगा। तो परिभाषा क्या है, वे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 के लिए किसकी करते हैं, मोनोसेकेराइड, क्या कहलाते हैं, ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। फिर ओलिगोसेकेराइड का भी वर्गीकरण कर लें कि जो ओलिगोसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां देता है वो क्या कहलाते हैं, डाइसेकेराइड। जो ओलिगोसेकेराइड 3 मोनोसेकेराइड के लिए देता है वो क्या कहलाते हैं, ट्राइसेकेराइड। 4 के लिए 2 कहलाएगा, टेट्रासेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर ओलिगोसेकेराइड का भी क्या किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है। तो ये किसकी बात करेंगे, ओलिगोसेकेराइड के वर्गीकरण की, ठीक है। डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड आदि। इस वर्ग में बात करें ओलिगोसेकेराइड में तो सबसे महत्वपूर्ण ओलिगोसेकेराइड कौन से हैं, डाइसेकेराइड। और ये पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट ओलिगोसेकेराइड कौन से हैं, डाइसेकेराइड। यानी वे ओलिगोसेकेराइड जो जल अपघटन करने पर कितनी मोनोसेकेराइड इकाइयां देंगे, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ओलिगोसेकेराइड कौन से हैं, डाइसेकेराइड। बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे बात करेंगे सुक्रोज, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ओलिगोसेकेराइड सबसे इम्पोर्टेंट कौन से पढ़ेंगे, डाइसेकेराइड, ठीक है। डाइसेकेराइड की बात करते हैं, इस वर्ग में डाइसेकेराइड सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका सामान्य समूह क्या होगा, C12H5O11। चाहे सुक्रोज हो, लैक्टोज हो या माल्टोज हो, सुक्रोज, लैक्टोज हो, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ठीक है। सुक्रोज हो, लैक्टोज हो या माल्टोज हो, ठीक है, तीनों क्या है, डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड का सूत्र क्या होगा,
तीनों की बात करें, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, तो तीनों में एक इकाई किसकी होगी? ग्लूकोज की। तीनों में कॉमन है, एक इकाई किसकी होगी? ग्लूकोज की। अब दूसरी मोनोसेक्रेट इकाई ग्लूकोज भी हो सकती है या अलग शर्करा भी हो सकती है, ठीक है। तो बात करेंगे सुक्रोज को सामान्य शर्करा कहते हैं, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? C12H22O11, ठीक है। सुक्रोज, सुक्रोज को क्या कहते थे? सामान्य शर्करा। सुक्रोज को सामान्य शर्करा कहते हैं। इसमें एक अणु किसका होता है? ग्लूकोज का, और दूसरा अणु किसका होगा? फ्रक्टोज का। देखेंगे भी जलपटन देखेंगे कौन कौन से मोनोसेक्रेट प्राप्त होते हैं, ठीक है। सुक्रोज क्या है? एक सामान्य शर्करा है जिसमें एक अणु किसका है? ग्लूकोज का, और एक अणु किसका होगा? फ्रक्टोज का, ठीक है। ये मुख्यतः कहाँ उपस्थित होगी? गन्ने और चुकंदर में पाई जाती है, ठीक है। लैक्टोज, फिर बात करेंगे लैक्टोज की, तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं, ठीक है। यानी कहाँ उपस्थित होगी? दूध में। इसमें एक इकाई तो क्या होगी? ग्लूकोज। बात की थी अभी कि तीनों में एक एक इकाई तो कौन सी होगी? ग्लूकोज की। दूसरी इकाई ग्लूकोज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं, ठीक है। इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज उपस्थित होता है, दो इकाइयाँ, एक ग्लूकोज की और एक गैलेक्टोज की। फिर बात करेंगे माल्टोज की, ठीक है। तो माल्टोज ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी माल्टोज में दोनों मोनोसेक्रेट किसके होंगे? ग्लूकोज के उपस्थित होंगे। दो मोनोसेक्रेट इकाइयों के बीच में जो बंध बनेगा, वो बंध क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइड। यानी दो मोनोसेक्रेट इकाइयों के बीच में जो बंध बनेगा, ठीक है, वो बंध क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बंध कहलाएगा। हो सकता है ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में बने, ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज के बीच में बने, ठीक है। तो दो मोनोसेक्रेट इकाइयों के बीच में जो बंध उपस्थित होगा, जो बंध बनेगा, वो बंध कहलाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बंध कहलाता है। तीनों की बात करें, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज तीनों क्या है? ऑलिगोसेक्रेट। क्या है? डाइसेक्रेट। सुक्रोज की बात कर रहे थे, बात की थी कौन सी दो इकाइयां उपस्थित होगी सुक्रोज में, दोनों इकाइयां कैसी होगी? सुक्रोज के सूत्र की बात करें तो C12H22O11 एक इकाई किसकी उपस्थित होगी? ग्लूकोज की। फॉर्मूला C6H12O6 और एक इकाई किसकी देगा? फ्रक्टोज की। C6H12O6, ठीक है। फिर बात करें लैक्टोज की, दुग्ध शर्करा। लैक्टोज का फॉर्मूला क्या होगा? C12H22O11। लैक्टोज में एक इकाई किसकी देगा? ग्लूकोज की। फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6 एक इकाई किसकी देगा? गैलेक्टोज की। फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। तो सुक्रोज, लैक्टोज। फिर बात करेंगे माल्टोज, तो माल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा? C12H22O11 दूसरी कहीं किसी देगा? ग्लूकोज की।
दोनों के लिए समान फॉर्मूला एक्वल औसत। तो यहाँ तीनों इकाइयों की बात कर ली। सुक्रोज सुक्रोज का मतलब क्या हो जाएगा, C बारह H का ही हो जाएगा। सुक्रोज का जलप्रदन करेंगे, ठीक है। जलप्रदन करने पर तीनों का जलप्रदन कर रहे हैं, सुक्रोज का जलप्रदन करने पर दो इकाई देखो, एक इकाई किसी लेगा ग्लूकोज की, एक इकाई किसी लेगा फ्रक्टोज की। फिर बात करेंगे लैक्टोज की, लैक्टोज का जलप्रदन करने पर देखिए कितनी इकाई देगा, ढाई सेकेंड है, ढाई सेकेंड में कितनी मोनोसेकेंड इकाई देगा, दो। एक तो किसके देगा ग्लूकोज की और एक किसके देगा गैलेक्टोज की। फिर बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज की कितनी मोनोसेकेंड इकाई देगा, दो। कौन कौन सी, ग्लूकोज और ग्लूकोज, दोनों इकाइयाँ किसके देगा ग्लूकोज की। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सुक्रोज लैक्टोज और माल्टोज तीनों क्या है, ढाई सेकेंड है, तो तीनों का फॉर्मूला कैसा होगा, सेम होगा C12H22O11। तीनों का जलप्रदन करते हैं तो तीनों ही कितनी कितनी इकाइयाँ देंगे, दो दो इकाइयाँ देंगे। सुक्रोज को किसकी देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। लैक्टोज किसकी देगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की। और माल्टोज किसकी देगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज की। अब ये सभी मोनोसैकेराइड है, चाहे ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, तो सभी का सामान्य सूत्र भी कैसा होगा, सेम होगा। सभी का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12O6। C6H12O6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, मोनोसैकेराइड सबसे सरलतम सैकेराइड की, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड की, तो ओलिगोसैकेराइड कितने हैं, मोनोसैकेराइड जलपति में कितने मोनोसैकेराइड दे सकते हैं, दो से दस मोनोसैकेराइड की इकाई है। यदि दो इकाई देते हैं तो ढाई सैकेराइड, तीन देते हैं तो ढाई सैकेराइड, चार देते हैं तो टेट्रा सैकेराइड। मुख्य रूप से किसको पढ़ना है, ढाई सैकेराइड को। तीन प्रकार के उदाहरण देते हैं, सुक्रोज लैक्टोज और माल्टोज। ढाई सैकेराइड का सामान्य सूत्र क्या होगा, C12H22O11। सुक्रोज किस किस की इकाई दे रहा है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज किसकी देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज की। माल्टोज किसकी देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज सभी क्या है, मोनोसैकेराइड है, तो इन सभी का फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, सेम C6H12O6। फिर बात करेंगे पॉलीसैकेराइड, पॉली यानी अनेक, तो यानी वे मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड के ऐसे बहुल है जिनका अनुभार क्या होता है, बहुत अधिक होता है। मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड के ऐसे बहुल है जिनका अनुभार क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्या कह रहे हैं, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। या सिंपल में परिभाषा लिख सकते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलपटन करने पर, तो दो से दस कैसे कौन दे रहा है, ओलिगोसैकेराइड। दस से ज्यादा इकाई कौन देगा, दस से ज्यादा इकाई कौन देगा, पॉलीसैकेराइड। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलपटन करने पर दस से अधिक इकाइयां मोनोसैकेराइड के प्रदान करती हैं, क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड। और आगे पॉली लगा हुआ है, ये क्या है, एक प्रकार की ये बहुलक है, किससे, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, जिनका अनुभार क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ये अक्रिस्टलीय होते हैं, ठीक है, अक्रिस्टलीय होंगे, स्वादहीन होंगे, ठीक है, यानी असरकरा के रूप में होंगे, इनका कोई पोषण मान नहीं होगा, ठीक है। तो ये अक्रिस्टलीय होते हैं, स्वादहीन होते हैं, और जल में कैसे हैं, अविलय, ठीक है, यानी इनको क्या नाम दे सकते हैं, असरकरा। पॉलीसैकेराइड अक्रिस्टलीय है, स्वादहीन है, ठीक है, कोई स्वाद नहीं, मीठा स्वाद नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, स्वादहीन है, जल में कैसे हैं, अविलय है, इनको क्या नाम दे दिया, असरकरा। क्या कह सकते हैं, इनको असरकरा भी कह सकते हैं। बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।